और धामों की मेरी यात्रा की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज बद्रीनाथ धाम का दौरा कर रही है। मैं बिल्कुल बद्रीनाथ धाम से 20 मीटर की दूरी पर हूँ और जिस जगह पर हूँ ऋषि गंगा, ये आ रही मेरी सामने की तरफ से, ये झरना बहता हुआ सामने है। नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ का मंदिर भी और नीलकंठ पर्वत भी, ये एक छोटी है ग्लेशियर हिमाद्री जो सामने साथी, और इसी के दाएं तरफ कई छुट्टियाँ मुझे नज़र आ रही, कई गुफाएं नज़र आ रही। 12 महीने साधु यहाँ पर रहते हैं ऐसा बताया जा रहा है, ये छोटी छोटी गुफाएं। इसके अलावा सामने की तरफ मुख्य परिसर मंदिर का, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर वो मुख्य परिसर, इसके अलावा वो सतोकंद ग्लेशियर से आती हुई अलकनंदा सामने की तरफ। और धन्य हो जाते हैं वो लोग जो इस देवभूमि उत्तराखंड इन धामों में पहुँचते हैं। जहाँ तक मैं बद्री विशाल की बात करूँ, आज हजारों श्रद्धालु सप्तकुंड में मुझे डुबकी लगाते हुए नज़र आए, अलकनंदा में सामने की तरफ अब अभी भी मुझे नहाते हुए नज़र आ रहे। शाम का वक्त है, तेज हवा भी चल रही है और लॉकडाउन के बाद शायद अब लोगों को पूरी राहत मिली है। प्रशासन की बात करूँ, सरकार और प्रशासन के द्वारा चुस्त व्यवस्था दिखाई गई है। प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को ऑपरेशन करती हुई नज़र आया। महिला पुलिस से लेकर के एसटीआरएफ से लेकर के तमाम पुलिस विभाग और सरकार के ओर से चकाचौंध व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा यदि मैं इन मार्केट की बात करूँ, होटल की बात करूँ, तमाम कई लोगों को यहाँ पर धामों में रोज़गार मिलता है। और दिखाते हैं आपको, ये वही देवी तपस्थली जहाँ पर कई ऋषि मुनि आते हैं, और कई तपस्थली इसलिए कहा जाता है जब आप इन धामों में पहुँचते हैं तो एहसास होता है कि पर्वत, एक चोटियाँ, एक ग्लेशियर और ये हिमाद्री, बड़े बड़े पर्वतों से पूरा पता लगता है कि मानो यही है तपोस्थली और देवभूमि उत्तराखंड। देखिए धामों की मेरी यात्रा और ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत।